कौआ मझां दे थणां चों खून चल पिया उन्हां दे। हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है। परमेश्वर महादेव इन्हां दा नाम है, ये स्वयं प्रकट होए ने पृथ्वी चों। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है पर मत्था टेक के बहुत मन को शांति मिली है, बहुत आनंद आया है। तो दूरों आते जी इतने लोग, बहुत लंबी लाइन है, 1.5 किलोमीटर तक तो लाइन लगी हुई है। अमरगढ़ नेड़े पिंड मूलावद्दा विखे प्राचीन शिव मंदिर में महा शिवरात्रि का त्यौहार बड़े ही श्रद्धा और उत्साह नाल मनाया गया। इस मौके इलाके दी संगतां तो इलावा वड्डी गिणती विच दूर दराडे तो आए श्रद्धालुओं ने मत्था टेकिया ते शिवलिंग उपर जल चढ़ाया। मंदिर विच तड़कसार तो ही शिव भगतां दीआं लंबीआं कतारां लगियां देखण नूं मिलियां। पंडित धीज शर्मा वल्लों मंदिर दा इतिहास बारे जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि प्राचीन काल च गुजरां वल्लों इत्थे जंगलां च डेरे लाए हुए सन ते इक विशाल पत्थर दे रूप विच भोलेनाथ धरती चों प्रगट होए जिथे यह मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर की खासियत यह भी है कि मंदिर च 9 गजे पीर की समाध है जो हिंदू मुस्लिम एकता की सांझीवालता का प्रतीक है। अमृतगढ़ तो मंजीत सोही की रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे पंजाब। हाँ जी, मेरा नाम श्रीलेख है। असं इतने मत्था टेकन आए हैं नाभे तो। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है पर मत्था टेक के बहुत मन को शांति मिली है, बहुत आनंद आया है। असं हर साल आने इतने और हर बार सानू इच्छा रहती है, हर बार अगे भी असं आईए। बहुत दूरों दूरों आते जी इतने लोग, बहुत लंबी लाइन है, 1.5 किलोमीटर तक तो लाइन लगी हुई है। ये चीज़ों की सानू कठिनाई नहीं लगती, ये चीज़ा सानू खुशी देंदियाँ, मन अच्छा लगता सानू। भगवान शंकर जी का जिहड़ा ये मंदिर है, ये सोमेश्वर महादेव इन्हां दा नाम है, ये स्वयं प्रकट होए ने पृथ्वी चों, तो इस करके स्वंभू महादेव ने, सोमेश्वर महादेव इन्हां दा नाम है। और इस जगह पर लखां लोग जिहड़े ने शिवरात्रि वाले दिन, वैसे भी आम रूटीन दे विच भी बहुत संगत आउंदी है और सारिआं दे सहयोग दे नाल इह मंदिर का जो भी निर्माण वगैरह है वह चलता है। और इस जगह पर प्राचीन काल के विच गुजर आए थे जिन्होंने इस मंदिर नूं लभ्या था। गुजरां ने इत्थे डेरा पाया और डेरे के विच जद इत्थे जंगल था, इस जिहड़ा एरिया है ये जंगली था पूरा, वा जद उस वक्त गुजरां ने डेरा ला लिया तो उन्होंने इत्थे एक गऊ थी उन्होंने कोल जिहड़ी कदे दुध देवे कदे ना देवे इस प्रकार की थी। जद उरे उन्होंने गऊ नूं बन्निया जिथे भगवान शंकर जी का स्वरूप है उस जगह पर एक पेड़ होंदा था मंदिर बनन तो पहला, पेड़ के कोल जब गऊ नूं बन्निया तो वह गऊ ने दुध बाल्टी भर के देता। वह अचंभित होए कि ये तो कदे दिंदी है कदे नहीं, 2-4 दिन 5 दिन जो भी रहे वो उस प्रकार उन्हां दा रोज़ हुंदा रहा। होने तो बाद फिर जब इतों चले गए फिर वह कणे करन लग गई जिवें गऊ वह पहला करती थी। उन्होंने सोचा क्यों ना आपां उत्थे जिहड़ी मूर्ति है इस जगत पर भी उन्होंने नाले लै चलीए, पत्थर समझ के उन्होंने वो पट्टना चालू करता। ज्यों ज्यों पट्टन लगे तो उन्होंने भगवान शंकर जी का जिहड़ा रूप है वह विशाल नीचो पृथ्वी चो दिखाया। अनपढ़ता के कारण उन्होंने की किया वह भी किसी ने कहा कि बढ़ लेने उपरों, जब उन्होंने टक मारिया तो कहते उस समय के दस देने कि खून निकलिया भगवान के और सारे गऊँ मझां के थणा चो खून चल पिया उन्होंने। उन्होंने क्षमा याचना की कि महाराज सानू बख्श दो, सानू नहीं पता। तो उतो आवाज़ आई कि हे मूर्खो तो भगवान शंकर जी का स्वरूप है, तुसी की करन लग गए थे। उस फिर उन्होंने भी साड़ियाँ गऊँ मझा, क्योंकि उन्होंने गुजरां का धन गऊँ मझा का ही होंगे, उन्होंने गऊँ मझा के दुध तो खीर बना के और पहली बार खीर का प्रसाद चढ़ाया। उस दिन तो अज इस इलाके कोई भी डंगर होवे वो दुध पहला लोग उरे ही चढ़ाते हैं, नहीं तो सही तरीके नाल दुध गऊ मज दिंदी नहीं है। यह ये जिवें कहते हैं प्रत्यक्ष नूं प्रमाण की लोड़ नहीं, उस प्रकार इस जगह पर जो कोई ऐसा करता शिवरात्रि वाले दिन लोग भेली चढ़ाते हैं, जिवें किसी के विवाह होंदा या किसी की लड़की का विवाह होंदा या लड़के का या कोई बच्चे का जन्म, इतों फल पवा के लैके जाते हैं। सारे भगतों की मनोकामना पूर्ण होंदिया ने भगवान शंकर जी का ये। और इतने जिहड़ा सब तो बड़ी गल एक विशेष होर भी है कि हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है,
कि इत्थे पीर बाबे ने सेवा की है कहिंदे प्राचीन काल दे विच और उन्होंने अपने प्राण त्याग ते भोलेनाथ दे चरणा च तो उन्हां दी समाधि बनी हुई है 9 गजे बाबे दी समाधि बनी हुई है। पूरा मतलब देश दे विच होर किते इस तरह दा पता नहीं हैगा दस्या जांदा कि सहारनपुर दे कोल एक जगह है जिथे भोलेनाथ और उन्हां दा 9 गजे बाबे की जगह नहीं तो इस जगह पर तकरीबन समझ के चलो 1.5-2 किलोमीटर के एरिए दे विच पूरे का पूरा मेला जिहड़ा छाया है इन्नी लाइन है संगत आउंदी रहिंदी है जांदी है 3-4 घंटे का समा लगता है यात्रा दे विच मत्था टेकण वास्ते। बिल्कुल भगवान मनोकामना पूर्ण करदे ने तां ही भगत दूरों दूरों जिहड़ा एक बार उरे आ जांदा है ये विशेषता वो दोबारा भज के आउंदा अपनी मनोकामना नूं लै के कई बार वो मनोकामना पूर्ण होने ते उसका अर्पण करन आउंदा कि महाराज बड़ी कृपा की थी। कई बार की होंदा मनोकामना लेके आउंदा कि साड़ी ये मनोकामना पूर्ण